4 और 5/11/2018 की रात्रि को भिवानी महम रोड पे स्थित बंदरूवाला जोहड़ के पास में हनुमंत गिरी धाम पर कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा डकैती करने के उद्देश्य से अंदर घुसे थे और वहाँ पर उसी दौरान ही वहाँ पे सो रहे साधुओं पे हमला भी किया था। इस हमले के दौरान बाबा सोमवार गिरी की बाद में मृत्यु हो गई थी और साथ में ही 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में ही कुछ जो अज्ञात युवक थे वो 28-29 हज़ार रुपये आसपास चोरी करके भी ले गए थे। इसके बाद में मौके पर जितने भी हमारे को साक्ष्य मिले उसके आधार पर अनुसंधान शुरू किया गया था। अनुसंधान के दौरान ये बात सामने आई कि जो मौके के आसपास हमें अनुसंधान के दौरान जो फोटोग्राफ मिले थे उन्हीं से ही मिलते जुलते कुछ सबूत हमें नौरंगाबाद में जो एक और डेरे पर आक्रमण हुआ था वहाँ पर भी कुछ लोगों को चोटें मारी गई थी और डकैती के उद्देश्य से कुछ लोग पैसे लेकर चले गए थे। साथ ही हुनमल प्याऊ पे भी पहली एक घटना हो चुकी थी जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। हमारे DSP लोहारू कुलभूषण के नेतृत्व में और साथ ही CIA इंचार्ज रविंद्र कुमार के साथ अलग अलग टीमें बनाई गई थी। साइबर सेल की भी विशेष सहायता इस सारे अनुसंधान में रही। दौरान अनुसंधान ही हमारे द्वारा टीम के द्वारा कुल 6 आरोपी जिसमें 4 आरोपी इसमें भी शामिल हैं जो बंदरूवाला जोहड़ में जो वारदात हुई है जिसमें बाबा सेवानाथ की मृत्यु हो गई थी और साथ ही 2 आरोपी जो हुनमल प्याऊ पे जो गोली चली थी उसमें शामिल रहे हैं। एक आरोपी अभी बंदरूवाला जोहड़ वाली जो वारदात है उसमें अभी और वन देखिए जितने भी युवा है लगभग 20 से 30 साल के बीच के हैं और इनकी विशेष बात ये रही इस सारे अनुसंधान में कि इनके द्वारा जो भी भिवानी में जो 2 घटनाएं हुई तो तीसरी घटना हुनमल प्याऊ वाली थी जहाँ गोली मारी गई थी। दोनों जो घटनाएं हुई उसमें मुखबिर के कुछ जो इनकी मुखबिरी करते हैं पुलिस को उनके कुछ फोटोग्राफ्स मौके पर पटक दिए गए ताकि पुलिस इस भ्रम में रह कि इन मुखबिरों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस मुखबिरों को पकड़ ले। जी दोनों जगह ही हमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जहाँ नौरंगाबाद वाली घटना में एक मोबाइल मिला था जिसमें मुखबिरों के ही फोटोग्राफ्स थे और साथ ही जो अभी जो रिसेंट वाली वारदात है उसमें भी मुखबिर का एक फोटोग्राफ मौके पे मिला था। उसी के आधार पे हमारे को एक कुछ क्ल्यू मिले और हमने अनुसंधान आगे बढ़ाया। इस दौरान काफ़ी लोगों ने जो पब्लिक के लोगों ने भी हमारा अच्छा सहयोग किया जिसके कारण हम इन लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सके।